नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि गियर सटार कैसे बनाते हैं, वो हम आज दिखाएंगे आपको। तो आइए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पे टेम्पलेट फिट करेंगे, इसके लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 फास्नट करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूत नहीं होगा। तो अभी हम इसमें एंकरिंग करके टेम्पलेट बिठाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका दूसरा जो टेम्पलेट गाइड के साथ फिक्स हुआ है, उसका हाइट और इसका हाइट सेम ही होना चाहिए, कम या ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पहले आपको इसको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेजरिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा, मेजरिंग करके मार्किंग करके फिर आपको इस टेम्पलेट को बिठाना है। अभी हमारा टेम्पलेट फिक्स हो गया है, अभी आपको पिनियम का काम करना पड़ेगा। अभी हम पिनियम को स्प्रिंग का जो सेट होता है उसके साथ जोड़ देंगे, फिर हम उसको टेम्पलेट के ऊपर बिठाएंगे। हाँ, अभी इसको बिठाया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो बाकी काम शुरू करने वाले। तो दोस्तों, अभी हम पिनियम के साथ क्राउन को जोड़ देंगे ताकि ये रोलिंग होने में आसानी हो, और इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। तो गियरिंग सटर में 3 चीज़ें मेन है, एक है आपका गियर बॉक्स, दूसरा है आपका पिनियम और तीसरा है आपका क्राउन। तो ये 3 चीज़ें मेन है गियरिंग सटर में। अभी हम पिनियम के साथ क्राउन को जोड़ देंगे, और इसको आपको मजबूती के साथ वेल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए आपका रोलिंग शटर ऊपर या नीचे होता है। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से वेल्डिंग करना चाहिए। अभी 2 इंच का जो पाइप है उसको हमें फिक्स करना है यूक्लेम के साथ नट बोल्ट के जरिए। तो दोनों तरफ ही ये चीज़ फिक्स, पाइप को हम फिक्स कर देना चाहिए। अभी हम क्राउन और गियर बॉक्स को इस पाइप के जरिए जोड़ देंगे। Thank you.
अभी हम दो पत्ती पाइप के साथ फिक्स करेंगे ताकि ये जो रिंग है इधर उधर ना आए, दो साइड ही इस तरह से। फिर हम दूसरी तरफ भी और एक पत्ती जोड़ देंगे। तो अभी हो गया, फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं रोलिंग करके कैसा होता है। अभी हमारा गियरिंग का काम कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं दूसरा काम शुरू करते हैं। अभी रिंग के साथ स्प्रिंग को जोड़ देंगे। ये हम कर रहे हैं ताकि टेम्पलेट और भी मजबूत हो, इसलिए हम इसको भी फिक्स कर रहे हैं फर्स्ट नट के जरिए। अभी हम प्रोफाइल बिठाएंगे वहाँ पे, फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी हम प्रोफाइल को लॉक कर रहे हैं ताकि इधर उधर ना हो, इसलिए हम इसको लॉक कर रहे हैं। दोनों तरफ ही लॉक कर देंगे हम इस तरह से। अभी हम रिंग के साथ प्रोफाइल को जोड़ देंगे और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट होगा। तो आप लोग देखते रहिए। अभी हम ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रिंग और पाइप है ताकि इसको कोई दाग ना आए और ऊपर नीचे करने में आसानी। अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं इस स्टार्टर को हम अभी ऊपर उठाते हैं, उठता है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी अच्छी तरह से ये रोलिंग हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और इससे पहले हम इस स्प्रिंग के साथ जोड़ने से पहले करीबन आपका 8 राउंड रिंग टाइट किया है, उसके बाद ही हमने इसको फिक्स किया। तो देखिए अच्छी तरह से उठ रहा है। ये बहुत ही बड़ा शटर है, करीबन 22 फुट ये शटर है। तो इसको हम अभी कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा या ज़्यादा ग्रेसिंग करना बाकी है, उसको करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे वीडियो देखा
और सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालने से आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।